ठीक है, तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपको आज एक नए कॉन्टेक्स्ट के बारे में लेके आया हूँ, वो है गिग्स फॉर गिग के थ्रू लॉन्च किया गया है अल्गो गिग। उस आर्टिकल का नाम है डीएसए आर्टिकल राइटिंग कॉन्टेस्ट बाय गिग फॉर गिग्स, जो कि दिसंबर 6 से 30, 2021 के बीच में शेड्यूल किया गया है। ठीक है ना, रिटर्न कॉन्टेस्ट है, कॉन्टेस्ट डिटेल। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि कॉन्टेक्स क्यों है और किस पर्पज से है, बिकॉज गिग फॉर गिग्स की बात करें तो अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम जो उसके आर्टिकल्स हो या उसकी साइट पे अगर विजिट करते हैं तो वो टेक्निकल साइट्स हैं। डेफिनेटली यहाँ पे भी आपको टेक्निकल साइट्स ही मिलेगी, टेक्निकल कोडिंग के ही बारे में बात की जाएगी या फिर उससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं उनके बारे में आपको वहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, ये उनके लिए बहुत अच्छा है जिनकी टेक्निकल नॉलेज अच्छा है, जिनके एल्गोरिथम बहुत अच्छे हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। हाँ, बट अगर जो राइटिंग करना जानते हैं और उन्हें अगर कुछ पहले से ही कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन पढ़ी है जो टेक्निकल्स जो प्रॉपर नहीं है, तो आप यहाँ पे आके भी अपने राइटिंग इस स्किल को यूज करके उस आर्टिकल्स को और अच्छे ढंग से समझा सकते हैं और राइट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा क्या है एग्जैक्टली यहाँ पे, यानी क्या बोलना चाहिए। एज यू नो डिट, वी यूजली गेट टू नो अबाउट द कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग कोडिंग चैलेंजेस, बट द कंटेस्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन कोडिंग आर्टिकल इज नॉट वेरी मच रिकॉग्नाइज। इसने साफ साफ लिखा है, कंटेस्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन कोडिंग आर्टिकल्स इज नॉट वेरी मच रिकॉग्नाइज, हाउएवर देर आर सो मेनी बेनिफिट ऑफ राइटिंग सच प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम बेस्ड आर्टिकल लाइक। इट हेल्प यू टू शो केस एंड वेलीडेट यूर प्रोफिशनिसी इन प्रोग्रामिंग और वाइल राइटिंग दिस कोडिंग आर्टिकल यू आर ऑफन रिक्वायर टू डू सम एक्सटेंसिव रिसर्च एंड स्टडी डेट स्ट्रेंथनेस योर नॉलेज एंड समटाइम यू फाइंड आउट अनदर मोर ऑप्टिमाइजेशन सोल्यूशन फॉर द पर्टिकुलर प्रॉब्लम, आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये नहीं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले। ठीक है, तो कोडिंग आर्टिकल राइटिंग कॉम्पिटिशन प्रोवाइड यू विद द अपॉर्चुनिटी टू मीट एंड ब्रेन स्टॉर्म विथ अदर लाइक माइंडेड प्रोग्रामर और या फिर ग्रेप सम एक्साइटिंग प्राइजेस। ठीक है, मतलब अगर आप इसको कॉन्टेस्ट को पार्टिसिपेट करते हैं डेफिनेटली आपकी स्किल तो अच्छी होगी होगी, साथ में आप कहीं ना कहीं इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने पर आपको कहीं ना कहीं एक एक्साइटिंग प्राइजेस भी मिलेंगे एंड करियर अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। नाउ मोस्ट प्रोबेबली यू वुड बी वॉन्डरिंग डेट वाई वी आर डिस्कसिंग इट हियर राइट नाउ। तो ग्लोबल गिग एंड अमेजिंग डीएसए आर्टिकल राइटिंग कॉन्टेस्ट वेयर यू कैन राइट एंड सबमिट द कोडिंग आर्टिकल एंड स्टैंड अ चांस टू विन सब अमेजिंग रिवॉर्ड्स इंटर्नशिप्स अपॉर्चुनिटी। इट्स ऑल्सो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, देखिए आपको रिवॉर्ड तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ आपको एक यहाँ पे इनने क्या बोला है, इंटर्नशिप का भी ऑप्शन दिया जा रहा है। अगर आप कंप्लीट करते हैं और विन होते हैं तो आपको इंटर्नशिप भी मिलेगी, है ना। एंड ऑल्सो यू डोंट नीड टू स्टेप आउट ऑफ योर हाउस टू पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिशन एज यू कैन विट योर आर्टिकल ऑल वाइल सिटिंग एट योर होम, मतलब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर बैठे ही इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो अल्गो गिग डीएसए आर्टिकल राइटिंग कॉन्टेस्ट बाय गिग इज शेड्यूल्ड ऑन दिसंबर 6 से 30, 2021। अब हम आपको कॉन्टेक्स की डिटेल भी दे देते हैं थोड़ी सी क्या है यहाँ पे। ठीक है, ऑल दे आर नॉट इन दिस कॉम्पिटिशन वॉट यू विल नीड टू डू राइट एन आर्टिकल ऑन अ पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इन एनी ऑफ द प्रीफर्ड लैंग्वेज, जो आपको अच्छी लैंग्वेज आती है आप अपनी लैंग्वेज को प्रीफर कर सकते हैं, सी प्लस प्लस है, जावा है, पाइथन है, यूजिंग द रिलेवेंट डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स। हाउएवर द थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज दैट आर्टिकल सबमिट बाई यू मस्ट नॉट बी कॉपीड फ्रॉम एनीवेयर, पहले पॉइंट ध्यान रखना, कहीं से भी कॉपी किया नहीं होना चाहिए। एंड ऑल्सो इट शुड नॉट बी प्रीवियसली कवर्ड ऑन गिग फॉर गिग। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं वो आर्टिकल कई ऑलरेडी गिग फॉर गिग में ऑलरेडी कवर नहीं किया होना चाहिए, मतलब आपका एक ओरिजिनल आर्टिकल होना चाहिए जो ऑलरेडी मतलब कॉपीराइट नहीं होना, सिंपल सी बात यानी कहने के चाहते हैं। कॉम्पिटिशन डेट है दिसंबर 6 से 30, 2021, रिजल्ट होगा 7 जनवरी 2021 को, तो ये आपके लिए गुड चांस है। अगर आपने अगर साइट नहीं देखी है तो आप देखें, और अगर आपको कोडिंग अच्छी आती है तो आप इसका यूज करें और कहीं ना कहीं इसमें विन कर सकते हैं सम प्राइजेस, इंटर्नशिप ज्वाइन कर सकते हैं और कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जॉब के लिए भी इन फ्यूचर में। सो इन केस यू गेट अ फीडबैक ऑफ योर आर्टिकल यू मस्ट इंश्योर दैट रीसबमिट द आर्टिकल आफ्टर मेकिंग सजेस्ट रिक्वायर चेंज बिफोर द लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन। एक बार ध्यान रखना, इसका मतलब ये है कि आप एक आर्टिकल को नहीं मोर देन वन आर्टिकल्स को भी क्या कर सकते हैं यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। अब बात आती है प्राइजेस की,
ठीक है, प्राइजेस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज, फोर्थ टू टेंथ प्राइज, सर्टिफिकेट एंड वेरियस एक्साइटिंग गुडीज यहाँ लिखी हुई ऑलरेडी आपको मिलेगी। तो ध्यान रखें, मतलब जो भी पार्टिसिपेट करेगा कहीं ना कहीं उसको टी शर्ट तो मिलेगी मिलेगी, ठीक है, साथ में उसको एक्साइटिंग प्राइजेस भी मिलेंगे जो आपके यहाँ लिखे। फर्स्ट प्राइज में 10,000 कैश प्लस सर्टिफिकेट वेरियस एक्साइटिंग, सेकंड 5,000 कैश प्लस सर्टिफिकेट एंड वेरियस एक्साइटिंग गुडीज, थर्ड में 3,000 कैश प्लस सर्टिफिकेट प्लस वेरियस एक्साइटिंग गुडीज, एंड फोर्थ एंड टेंथ प्राइज में जो होगा 4 से 10 सर्टिफिकेट वेरियस एक्साइटिंग गुडीज मिलेगी, वो कुछ भी हो सकती है जो इन्होंने ऑलरेडी डिसाइड की है कहाँ, तो वो आपको यहाँ पे मिलेगी। नोट, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे, पार्टिसिपेट हुज फाइव आर्टिकल एटलीस्ट विल गेट पब्लिश विल ऑल्सो बी रिवॉर्ड डेट विथ एक्साइटिंग गुडीज, सो डू सबमिट मोर एंड मोर आर्टिकल्स इन द अल्गो ग्रीक कॉन्टेस्ट टू विन सम स्ट्राइकिंग प्राइजेस। आप विन कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही नहीं लिया, ठीक है। नोट, टू अवेल ऑल द प्राइजेस द पार्टिसिपेंट विल बी रिक्वायर टू फिल अप अ गूगल फॉर्म, ठीक है। टू अवेल ऑल द प्राइजेस द पार्टिसिपेंट विल बी रिक्वायर टू फिल अप गूगल फॉर्म डेट विल बी शेयर एंड एवरी वंस वंस द रिजल्ट इज अनाउंस, ठीक है। द कैश प्राइज आर नॉट अप्लीकेबल फॉर द पार्टिसिपेंट आउटसाइड द इंडिया, कैश प्राइज विल बी इन द फॉर्म ऑफ अमेजन पे कूपन्स, ठीक है, ध्यान रखे चलना, इसे अमेजन पे कूपन के फॉर्म में आपको दिया जाएगा। हाउ टू पार्टिसिपेट, समझे ना, तो कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, ये जो विजिट करना है यहाँ पे जो साइट के लिंक दिए, राइट क्लिक और जी और द रिटर्न आर्टिकल अंडर द अल्गो गूगल कॉन्टेस्ट में, तो मैं उसको ओपन कर देता हूँ, आपको दिख जाएगी। ओके, ओपन हो रही है, जस्ट वेट एंड वॉच। जिस तरह आपने आर्टिकल दिखा, इस तरह से कुछ कुछ आर्टिकल्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आफ्टर राइटिंग द आर्टिकल प्लीज सबमिट इट फॉर रिव्यू एंड देन स्टेटस ऑफ योर आर्टिकल विल बिकम पेंडिंग, ठीक है ना। वहाँ पे आपको कुछ पेंडिंग दिखेगा, अगर आप स्टेटस कम्प्लीट करने के बाद रिव्यू होगा और कुछ समय में पेंडिंग दिखेगा और फिर आपको उसके रिव्यूज भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे राइट करके सकते हैं, राइट एन आर्टिकल, राइट एन अल्गो आर्टिकल, राइट एन सजेस्ट टॉपिक, ठीक है, राइट एन इंटरव्यू एक्सपीरियंस आप यहाँ पे अपने लिख सकते हैं, जो भी आपको लग रहा है। यहाँ पे आप ये चार ऑप्शंस दिए हैं, राइट एन आर्टिकल्स, राइट एन अल्गो गिग्स, राइट एन सजेस्ट टॉपिक एंड राइट एन इंटरव्यू। 15 मिनट कैन हेल्प समवन टू गेट जॉब, शेयर योर बिजनेस इंटरव्यू एक्सपीरियंस इयर्स, ठीक है ना। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पॉइंट दे रखे हैं, सो यू कैन यूज दिस गाइडलाइन टू राइट एन आर्टिकल। अब आपको गाइडलाइन चाहिए होगी किस तरीके से हम इसको हाउ टू राइट लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए, ये लिंक ऑलरेडी अवेलेबल है, दोनों अवेलेबल है, अल्गोरिथम कैसे लिखना है, ठीक है ना, उसके भी आपके पास सब चीज अवेलेबल है यहाँ पे। चलिए, तो सबसे पहले राइट के देखते हैं, प्लीज लॉग इन फर्स्ट टू व्यू द डिटेल्स। तो हम ये जो ऑप्शन है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगा कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लियर। सेम थिंग आई हियर, हाउ टू राइट डीएसए आर्टिकल ऑन गिग फॉर गिग्स में आपको दिख रहा है, इन्हें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, एंटायर प्रोसेस एंड गाइडलाइन टू राइटिंग प्रोग्राम डीएसए आर्टिकल एट गिग फॉर गिग्स, है ना। तो कंप्लीट इंटरव्यू प्रिपरेशन कोर्स, डीएसए लाइव कोर्स ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल कंप्यूटर प्रोग्राम लाइव फॉर स्टूडेंट, इन्हें कुछ इंपॉर्टेंट, हाउ टू राइट, यू कैन राइट एन आर्टिकल, सर्च द टाइटल एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट इन द कस्टम सर्च ऑन द गिग फॉर गिग एंड इट इफ एक्साइटिंग डोंट राइट, देन सर्च द टाइटल प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड एग्जाम्पल्स गूगल टू फाइंड रिलेटेड एक्साइटिंग, जो भी इन्हें पॉइंट दिए, सर्च फॉर बेसिक वेरियस वेरिएशन और जनरलाइज प्रॉब्लम स्टेटमेंट इफ फाउंड इट विल बी कंसिडर्ड। कोडिंग आर्टिकल फॉर्मेट भी यहाँ लिखा हुआ है, बेसिक आइडिया ऑफ इंस्टीट्यूशन, स्टेप बाय स्टेप पॉइंट रिगार्डिंग हाउ द अप्रोच विल वर्क, हाईलाइट एनी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ पॉइंट यूजिंग बोर्ड एंड ब्लैक बोर्ड और एक्सपीरियंस ऑफ यू सी सी प्लस प्लस, इन्हें जावा आपने सब कुछ लिखा है यहाँ पे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, आप किसी भी लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दी है, आप उसको रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। एनी प्लेगरिज्म डिटेक्टेड इन द आर्टिकल विल डिसक्वालीफाई यू फ्रॉम द इवेंट, ठीक है ना, अगर आपको इसमें दिखाई देता है तो हो जाए आप डिसक्वालीफाई है। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज कॉन्टेक्ट दिस रिस्पेक्टिव कैंपस एम्बेसडर, ये आपको दिख रहा है, रिव्यू टेस्ट टीम गिग फॉर गिग डॉट ओ आर जी पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हाउ द रिजल्ट विल गेट डिक्लेयर, ठीक है ना, तो ठीक है। तो आप यहाँ साफ साफ बोला गया है कि कैसे इसमें ये रिजल्ट फॉर द पार्टिकल इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी प्रमोट ऑन द आर्टिकल लिंक्डइन ट्विटर एंड विद द हैश अल्गो गिग, डोंट फॉरगेट टू टैग गिग फॉर गिग इन द पोस्ट,
है, आर्टिकल फॉर्मेट एंड अदर इम्पोर्टेंट गाइडलाइन आपको यहाँ पे दी हुई है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ये सीसी जो ऑलरेडी हमने वहाँ पढ़ी थी वो भी वही चीज़ यहाँ बताएं। फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस क्वेश्चन को भी रीड आउट कर सकते हैं और इससे रिलेटेड चीज़ें आपको यहाँ समझ आ सकती हैं। तो इट इज़ वेरी क्लियर, दिस इज अ कॉन्टेस्ट फॉर ऑल जो अभी स्टूडेंट्स हैं जो जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, अपॉर्चुनिटीज़ है, जिनकी प्रोग्रामिंग अच्छी है उनके लिए भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है, उनको कहीं ना कहीं एक हैंडसम प्राइज मिल जाएगी यहाँ पे एंड वो कहीं ना कहीं हो सकता है फ्यूचर में उनको इसके बेसिस पे ही एक नई जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ रजिस्टर, प्लीज़ रजिस्टर ऑन दिस साइट, और इसकी लिंक मैं आपको एंड में मैं आपको जरूर दूंगा। हाँ, अब नेक्स्ट मेरा पॉइंट जो था कि कैसे हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। ये मेरा, आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।